हाय वंस अगेन, आई एम अनिल कुमार यादव और आप देख रहे हैं चैनल कैन आई हेल्प यू ऑनलाइन डॉट कॉम। आज मैं आपको अपने चैनल के जरिए यह सिखाऊंगा कि हम महाराष्ट्र में कक्षा दसवीं पास होने के बाद जब हम 11वीं में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो फिर हम यह इस वीडियो से सीखेंगे कि हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको यह सिखाया था कि हम अपने कक्षा 11वीं का फॉर्म भरने के लिए हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, और हमने पार्ट ए भरना सीखा था उसमें। अब हम इस वीडियो के माध्यम से हम पार्ट बी भरना सीखेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दोपहर 1 बजे कक्षा 10वीं के नतीजे महाराष्ट्र में घोषित हो चुके हैं। अब आप अपने लॉगिन पर जाकर आप FYGC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन पार्ट बी जो भी आपका है आप उसे भर सकते हैं। आप उसमें कॉलेज के नाम अपने भर सकते हैं, मनचाहे कॉलेज के नाम। और आपको यह भी बता दो कि आपको यह कॉलेज के नाम कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आप अपना ब्राउजर ओपन कर दीजिए। अपना ब्राउजर ओपन करने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर गूगल पे क्लिक कीजिए। आप गूगल में जाकर FYGC आप टाइप कीजिए, तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि FYGC.org.in/Mumbai करके लिखा हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो देखेंगे कि फर्स्ट वन ऑप्शन दिया हुआ है 11 स्टैंडर्ड ऑनलाइन एडमिशन मुंबई रीजन FYGC.org.in, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में ऊपर देखेंगे कि क्लिक हियर टू लॉगिन का बॉक्स बना हुआ है, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि एप्लीकेंट लॉगिन है, तो हम यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन पर जो भी हमारा एप्लीकेंट है हम उनका जो भी एप्लीकेशन नंबर है लॉगिन आईडी वह यहाँ पर फिल कर देंगे। वहां पर फिल करने के बाद हम यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर लेंगे जो कि हमने पार्ट ए भरते समय बनाया था उसे, और हम यहाँ पर लॉगिन की बटन पे क्लिक करेंगे। अब लॉगिन की बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर स्टेटस पा सकते हैं कि जैसा कि हमने फिल एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव्ड एंड प्रिंटेड और ऑप्शन फॉर्म इनकम्प्लीट। तो यह ऑप्शन फॉर्म है जहाँ पर हम अपने कॉलेज का नाम भरते हैं। तो यहाँ पर हम जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि फिल एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे लिखा हुआ है फिल ऑप्शन फॉर्म, हम उस पर क्लिक करेंगे। फिल ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ के ओके कीजिए, और आपको किस क्षेत्र में जाना है, आपको मतलब कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। तो यहाँ पर आर्ट्स कॉमर्स साइंस है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स है, तो आप इसमें से जो भी चूज करना चाहे आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉमर्स चूज करना चाहूंगा, और यहाँ पर मैं कॉमर्स पर टिक कर दूंगा। और यहाँ पर मीडियम डिटेल है, तो यहाँ पर हम मीडियम डिटेल मराठी इंग्लिश गुजराती उर्दू हिंदी, तो हम यहाँ पर बेसिकली कॉमर्स में इंग्लिश है, तो फिर हम इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो भी आपका कॉलेज का प्रेफरेंस कोड है वह फिल करने के लिए आपका यहाँ पर ओपन हो चुका है। और आपको आप यहाँ पर कम से कम 15 कॉलेज के कोड फिल कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 30 कॉलेज के कोड। तो और आप ये पूरे मुंबई क्षेत्र के अंदर जो भी कॉलेज आते हैं आप उसके कोड यहाँ पर फिल कर सकते हैं इस सेक्शन में। और मैं आपको इसके नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा कि हम जोन कैसे चूज करेंगे, और थर्ड सेक्शन में बताऊंगा कि उस जोन के 2 वार्ड हम कैसे चूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम फर्स्ट कॉलेज का कोड चूज कर लेंगे, और उसका जो भी कोड होगा फिल कर देंगे। और उसके बाद में आप ऐसे सीरियली आप भरते जाइए।
तो आप देखेंगे कि जब आप यहाँ पे कॉलेज की आप कॉलेज का कोड फिल करेंगे तो उसके सामने जो भी आपके कॉलेज का नाम है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको वो फिल करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने यहाँ पर जो भी अपने कॉमर्स की शाखा है हम उसके लिए हमने 18 कॉलेज के कोड पूरे मुंबई क्षेत्र के जो भी है हमने ये यहाँ पर फिल कर लिया है। और हम इसे फिल करने के बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आप जो भी इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। तो इस जोन में क्या आपको अपने पसंद के कम से कम 15 कॉलेज के कोड देने अनिवार्य है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी आपकी शाखा है आप इसे पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको समझ जाएगा। और यह करने के बाद आप यहाँ पर ओके कीजिए। और यहाँ से आपकी जो शाखा है वो कॉमर्स और मीडियम इंग्लिश, अब यहाँ पे आपको जोन चूज करने के लिए कहेगा। तो आप यहाँ पर आपकी आपने जो बुकलेट परचेस की होगी उस बुकलेट में आप देखेंगे कि कई सारे जोन दिए हुए हैं, ठाणे जोन, मीरा भाईंदर, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, या तो फिर मुंबई नॉर्थ, मुंबई, तो फिर आप साउथ ऐसा दिया हुआ होगा। तो फिर आप यहाँ पर कोई भी जोन चूज कर लीजिए। और जोन चूज करने के बाद आपको उसी जोन के 15 कॉलेज के कोड यहाँ पर फिल करने होंगे। तो यहाँ पर मैं यह कोड चूज कर ले रहा हूँ, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका। और यहाँ पर चूज करने के बाद यहाँ पर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पर यह कोड 15 कॉलेज के कोड फिल करेंगे।
तो जैसा कि हमने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में सेकंड अपने दूसरे पड़ाव पर जो भी जोन चूज किया था, हमने उस जोन के अंतर्गत अपने 15 कॉलेज के कोड फिल कर दिए हैं और हम यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब आपको आपने जो भी जोन आपने चूज किया है उसी जोन के अंतर्गत आपको 2 वार्ड आपको चूज करने पड़ेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि सिलेक्ट वार्ड 1, सिलेक्ट वार्ड 2। तो आपने जैसे कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका जोन चूज किया है तो आप उसी वार्ड का जो जो भी दो वार्ड उसी जोन का जो भी 2 वार्ड है आप उसे चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देख लेंगे कि वार्ड नंबर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वार्ड चूज कर लेते हैं अपना जो भी है और यहाँ पर हम कल्याण ईस्ट का एक वार्ड चूज कर लेंगे, कल्याण ईस्ट का, और यहाँ पर हम कल्याण ईस्ट का वार्ड 2 चूज कर लेंगे। और यहाँ पर हमें कम से कम अब 5 कॉलेज के कोड भरना अनिवार्य है और ज्यादा से ज्यादा 10 कॉलेज के, तो यहाँ पर हम भरना स्टार्ट करेंगे। तो कॉलेज के कोड गलत होंगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी हमने जोन के अंतर्गत 2 वार्ड चूज किए थे, हमने यहाँ पर 5 कॉलेज के नाम कम से कम फिल कर दिए हैं और हम यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यह भी जो भी हमारे कॉलेज के नाम के कोड हैं वह यहाँ पर आ जाएंगे। आप उसे रीड कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पर। ओके आप देख सकते हैं। तो और मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो भी आपने स्टार्टिंग में 18 कॉलेज के कोड फिल किए हैं पूरे मुंबई क्षेत्र के, तो फिर आपको उसमें जिस कॉलेज में एडमिशन आप चाहते हैं उस कॉलेज का कोड आप पहले भरिए, उसके बाद 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। कभी कभी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए होता है उसका नाम वो सबसे नीचे भरते हैं और उनको उस और उनको अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। इसलिए आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको जिस जिस किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसका नाम आप 1 नंबर से भरना शुरू कीजिए ऊपर, जो भी हमने फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी कॉलेज के कोड दिए हुए हैं, ये यहाँ पर आप देखने की व्यू लिखा हुआ है, आप यहाँ व्यू की बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने किन किन कॉलेज के कोड यहाँ पर फिल किए हैं और इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी चेक कर लीजिए जो कि आपने जोन चूज किया है, आपने उस जोन में कौन कौन से कॉलेज के कोड चूज किए हैं, फिल किए हैं और यहाँ पर उस जोन के अंतर्गत आपने किन वार्ड को चूज करके आपने कॉलेज का कोड भरा है, ये देखिए इस प्रकार से। तो आपने कुल मिलाकर तीनों भागों में मिलाकर 38 कॉलेज के कोड भरे हैं। तो यहाँ पर नीचे दी हुई सबमिट के बटन पर आप क्लिक करके आप इस फॉर्म का प्रिंट ले लीजिए और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर सबमिट के बटन पर आप नीचे दी गई है बटन, आप यहाँ पर क्लिक करके आप उसका प्रिंट आप ले लीजिए और प्रिंट यहाँ पर सबमिट की बटन दी होती है तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप इस फॉर्म का प्रिंट ले लीजिए और प्रिंट ले करके आप अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं आप उनकी सिग्नेचर लेकर यह फॉर्म अपने पास रख लीजिए और जब भी आपका एडमिशन जिस किसी भी कॉलेज में होगा तो आपके मोबाइल आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर आपको मैसेज आ जाएगा। अगर उस पर मैसेज ना आए तो आप ऑनलाइन द्वारा भी चेक कर सकते हैं और अगर आपको ऑनलाइन चेक करना होगा तो उस समय यहाँ पर आप देखेंगे कि
यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में चेक लिस्ट करके ऑप्शन दिया होगा रेड कलर का या ग्रीन कलर का, आप उस पर क्लिक करके आप जो भी अपना एप्लीकेशन नंबर या फॉर्म नंबर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका नाम किस कॉलेज में मीन्स आपका एडमिशन किस कॉलेज में हुआ है। तो आप यह फॉर्म लेकर और जो भी आपके रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है वह लेकर के आप जाइए और आप अपना एडमिशन उस कॉलेज में करा लीजिए। अगर आप उस कॉलेज में अगर आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में आता है और आप उस कॉलेज में और आपका नाम लगा है ऑनलाइन लिस्ट में और आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो आप वहां पर जाकर जो भी उनके शुल्क होगा जो भी उनकी फीस होगी फीस भर के आप प्रोविजनल एडमिशन ले लीजिए और आप सेकंड और थर्ड लिस्ट का वेट कीजिए। अगर आपका नाम सेकंड अगर आपका नाम फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में अगर आपका नाम सेकंड और थर्ड लिस्ट में आ जाएगा तो आप जाकर जो भी आपने उस कॉलेज में प्रोविजनल एडमिशन लिया था आप एप्लीकेशन दे करके अपना एडमिशन कैंसिल करके आपका जो भी सर्टिफिकेट है वह आप ले लीजिए। बट आप एक बात ध्यान रखिए, जो भी आपने फी भरी है फर्स्ट कॉलेज में प्रोविजनल एडमिशन के समय वो आपको रिफंड नहीं होगी, तो इस बात की आप ध्यान रखिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह 11वीं का ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा आपको अपने एक नए वीडियो के साथ।